Hello everyone, welcome back to my channel Ayurveda First. I hope you all are doing well. चरक संहिता कल्पस्थान सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर यानी इक्ष्वाकु कल्प. इसके पर्याय हैं लंबा, कटुकलाबु, तुम्बी, पिंडफला, इक्ष्वाकु और फलिनी. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि यहाँ पर पिंडफला हमने इक्ष्वाकु का पर्याय पढ़ा और इससे पहले हमने पिंडी तक किसका पर्याय पढ़ा है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे. कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है तो वो है श्वास, कास, विश्वविकार, वमन रोग में, ज्वर या फिर कफ से पीड़ित व्यक्ति में, जो व्यक्ति बिना काम करे थकावट उनको जिनको ज्यादा महसूस होती है उनमें वमन कराने के लिए हम इसका प्रयोग करा सकते हैं. उसके बाद हम देखते हैं इसका कौन सा पार्ट यूज होता है, तो वो है पुष्प, फल और बीज. मात्रा है अंतर्नख मुष्टि. टोटल इसके 45 योग हैं, दूध, घी, मांस, मंथ और तेल के साथ. जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का है वो है वर्धमान योग. या तो सिर्फ आपसे शॉर्ट में वर्धमान योग पूछ सकते हैं, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वर्धमान योग का वर्णन करते हुए इक्ष्वाकु कल्प का वर्णन करो, तो वहां आपको लिखना होगा. इसमें है क्या कि जो तितलौकी के बीज हैं वो पहले दिन हमने 10 बीज लिए, फिर दूसरे दिन 20, अगले दिन 30, फिर 40, इस तरह से रोज 10-10 बीज बढ़ाने हैं जब तक वो 50 बीज नहीं हो जाते. पहले दिन पर उसको मदन फल के क्वाथ में डुबोकर रखना है, नेक्स्ट डे पर जिमूतक में, इस तरह से जो शुरू के 6 चैप्टर्स यानी वामक द्रव्य हैं उसमें एक एक दिन इनको भिगाकर रखना है. रात को उनको भिगाकर रखना है उस काढ़े में, सुबह उसको हाथ से मसलकर पेशेंट को यानी रोगी को पीने के लिए देना है. तो इस तरह से वर्धमान योग का वर्णन कल्प स्थान में इक्ष्वाकु कल्प चैप्टर में मिलता है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है. तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंटली याद करके रखना है. ओके, इसका लैटिन नेम है लेगिनेरिया सिसेरिया एंड इट बिलोंग्स टू कर्क्यूबिटेसी फैमिली. सो दिस इज हाउ वी एंडेड आवर थर्ड चैप्टर टुडे. एंड यस, पिंडी तक किसका पर्याय है, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक and share with your friends and do subscribe our channel. Thank you.